28 फरवरी 2022 हमें मैच म्यूजिक के साइट से एक स्टोरी देखने को मिली जहां पे उन्होंने सरप्राइजिंगली बादशाह की एक इंटरनेशनल कोलैब जो कि जे बालविन के साथ होने वाली है उसे रिवील कर दिया। मैच म्यूजिक सेड, ब्रेकिंग न्यूज, जस्ट हर्ड द जे बालविन एक्स बादशाह ट्रैक, वीडियो लुकिंग कूल बट जे बालविन हैंड्स डाउन किल इट As always. और मैंज म्यूजिक की इस स्टोरी के बाद हमें बादशाह के साइड से भी स्टोरी देखने को मिला जिससे ये प्रूव हो गया कि बादशाह जो है वो इस इंटरनेशनल कोलैब को बिल्कुल भी रिवील नहीं करना चाहते थे। बादशाह सेड, इट्स पिटी हाउ समटाइम्स सम पीपल इन द इंडस्ट्री बिहेव लाइक इनसिक्योर किड्स फ्लेक्सिंग ऑन माय शिट, प्लीज डोंट मेक मी लूज रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल। और उसके बाद हमें मैंज म्यूजिक के स्टोरी में फिर एक रिप्लाई देखने को मिला बादशाह के लिए। Mans are talking about on their flex, lol. बेटा, I did what you are doing 10 years ago with no social media many times. No need to be flexing on anyone. I was just appreciating the music, Jay's part especially. और इसके बाद थोड़ी दिन के लिए चीजें कूल डाउन हो गई पर आज हमें फिर से बादशाह के साइड से हमें स्टोरीज देखने को मिली और मैन म्यूजिक के साइड इस स्टोरी का रिप्लाई भी देखने को मिला जहां पे उन्होंने अपने स्टोरी में एक वीडियो शेयर किया था जहां पे तुम बादशाह को देख सकते हो, अंकित खन्ना को देख सकते हो और वो बादशाह की RDB से साइन होने की बात कर रहे थे। सो इस वीडियो में हम प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे कि बादशाह और मैंज म्यूजिक के बीच एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इस वीडियो में आगे हम RDB के बारे में डिस्कस करेंगे, रफ्तार कैसे RDB में साइन थे, अंकित खन्ना कैसे RDB को मैनेज किया करते थे और बादशाह कैसे मैंज म्यूजिक और RDB से इन्वॉल्व हुए। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। आज तुम एक पुराने बैंड के बारे में जानने वाले हो जिसके गाने तुमने फोर श्योर पहले कभी ना कभी सुने होंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। I just wanna run, the city, the map, just give me the back, just fill it with cash and run, cause if it were cash, we'll rip you in half, and keep you like stack for fun. Chala jo main one way dekh le, tu dum way kar, tu backpack kar, run. Aankhe meri nam hai, dil bhi mera nam hai, soch bhi meri sam kar. Gaane ka naam hai Run, artist hai Ace, सूरज तरातक और म्यूजिक है हनी DID दिस का। भाई लोगों ने बहुत सही काम किया तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना और भाई लोगों के कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई लोगों को ढेर सारा प्यार भेजा है, जाओ भाई लोगों को सपोर्ट करो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव समथिंग मोर फॉर यू गाइस, चेक दिस। दोस्तों अब जमाना है गेमिंग का, लेकिन 100 गेम खेलने के लिए अब 100 एप्स थोड़ी डाउनलोड करोगे, बस एक विंजो काफी है क्योंकि यहाँ पे है नाइफ अप, सिप बैटल, क्रिकेट जैसे 100+ गेम्स, जैसे स्किल्स वैसी गेम। विंजो पर गेम खेलो और जीतो बहुत सारे कैश रिवॉर्ड और डायरेक्ट विड्रॉल करो पेटीएम, UPI या फिर बैंक में। विंजो वर्ल्ड वार में बाकी लोगों से कम्पीट करो और जिताओ अपनी टीम को। और यहाँ हारने का भी गम नहीं क्योंकि यहाँ हारने पे भी तुम जीतते हो कैश रिवॉर्ड। सिर्फ गेमिंग ही नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पे मिलता है ऑस्फॉल्ट, माइनक्राफ्ट की करेंसीज सबसे सस्ते दाम पे और अमेजोन प्राइम, डोमिनोज, हॉटस्टार जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। तो जल्दी से डाउनलोड करो विंजो ऐप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और पाओ ₹50 बोनस कैश एकदम फ्री। ओके, लेट्स कम बैक टू द वीडियो। तो आज हमें बादशाह के साइड से स्टोरी देखने को मिली जहां बादशाह ने कुछ ऐसा लिखा, इनका टाइम खत्म बस ये मानते नहीं, बाप इनका मैं हूं बस ये जानते नहीं। और अगली स्टोरी में बादशाह ने लिखा मा डैश मोड ऑन। और इस स्टोरी के बाद हमें मैंज म्यूजिक के साइड से स्टोरीज देखने को मिली जहां पे उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसपे तो मैंज म्यूजिक, बादशाह और अंकित खन्ना को देख सकते हो और उन्होंने लिखा आई एक्सेप्ट माई टाइम 20 years, आई एम हैप्पी लोल, हाउ क्यूट इज ही वेटिंग फॉर हिज डेब्यू विद RDB, समवन वाज नाइस इनफ टू गिव हिम सम स्क्रीन टाइम, वी डूइंग इट बिग शूट, टू मच फायर टू पोस्ट ऑन दीज मैंस, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, ट्राई मी। So, इन स्टोरीज को देख के ऐसा लग रहा है कि मैंज म्यूजिक सिर्फ यहाँ पे बादशाह को टारगेट ही नहीं कर रहे हैं, उनके टारगेट कुछ और लोग भी है। और इन सब चीजों को प्रॉपरली समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा तब जब RDB फॉर्म हुआ था। एवरग्रीन सॉन्ग्स लाइक आलू चाट, आजा माही, सिंग इज किंग,
पैसा ये सब ट्रैक्स हम लोगों ने पहले बहुत बार सुने हैं और ये सारे गाने RDB के हैं। So, RDB exactly है क्या और मैंज म्यूजिक बादशाह को RDB से डेब्यू कराने की बात कर रहे थे उसका क्या मतलब है। So, RDB एक म्यूजिक बैंड थी जो फॉर्म हुई थी 1997 में और इसे फॉर्म किया था तीन ब्रिटिश इंडियन ब्रदर्स ने कुलदीप सुरजीत एंड मनजीत सिंह राल AKA मैंज म्यूजिक ने और ये जो बैंड थी ये वेस्टर्न म्यूजिक जॉनरा को पंजाबी बीट्स और वोकल के साथ ब्लेंड करके ट्रैक्स बनाती थी। और जब रफ्तार ने माफिया मुंडीर छोड़ दिया था उस समय अंकित खन्ना रफ्तार को मैनेज कर रहे थे और उसी टाइम पे अंकित खन्ना ने RDB के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो RDB के शोज और लाइव परफॉर्मेंसेस मैनेज करते थे और अंकित खन्ना ने ही रफ्तार को RDB से इंट्रोड्यूस कराया और RDB ने रफ्तार को अपने रिकॉर्ड लेबल 3 Records में साइन कर लिया और तुम्हें रफ्तार के कुछ ट्रैक्स भी देखने को मिल जाएंगे RDB के साथ। और जहां तक मुझे लगता है जो मैंज म्यूजिक ने वीडियो शेयर किया है ये वीडियो भी इसी टाइम के अराउंड की है जब अंकित खन्ना ने बादशाह को RDB से इंट्रोड्यूस कराया हो और मे बी RDB बादशाह को अपने लेबल में साइन करने की प्लानिंग कर रही हो। बट एज ऑफ नाउ अगर तुम यूट्यूब में सर्च करोगे लाइक RDB और बादशाह के ट्रैक तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ये डील जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। 2012 में RDB बैंड के एल्डर ब्रदर कुलदीप की डेथ हो जाती है उसके बाद मैंज म्यूजिक अपनी सोलो करियर स्टार्ट करते हैं और RDB सिर्फ सुरजीत के साथ कंटिन्यू करती है और ये यही टाइम था जब हमें मैंज म्यूजिक और रफ्तार के मल्टीपल ट्रैक्स देखने को मिले। फॉर एग्जांपल स्वैग मेरा देसी है, स्टैंड अप, लक खिला दे, फुकरा फ्लो, देसी हिप हॉप और इस ट्रैक में हमें बादशाह भी मैंज म्यूजिक के साथ देखने को मिले थे। यहां तक कि रफ्तार की जो लास्ट एल्बम आई थी मिस्टर नायर उसमें भी हमें मैंज म्यूजिक के साथ रफ्तार का एक ट्रैक देखने को मिला था। रफ्तार हमेशा से मैंज म्यूजिक को अपना गुरु मानते थे और इवन जब MEV और रफ्तार की बीफ हुई थी उसे भी रिजोल्व कराने में मैंज म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ था। पर अगर हम रिसेंटली देखें तो रफ्तार और मैंज म्यूजिक के जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही नहीं है। मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है बट यस अंकित खन्ना और रफ्तार की रिलेशन अभी मैंज म्यूजिक के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है और बादशाह और रफ्तार दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है। तुम दोनों को अभी हाल फिलहाल में बहुत बार साथ में देख सकते हो और जब मैंज म्यूजिक ने जे बालविन वाली कोलैब लीक करी थी तुम उस स्टोरी में भी देख सकते हो क्योंकि मैंज म्यूजिक पार्टिकुलर जे बालविन के पार्ट के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने बादशाह के पार्ट के बारे में कुछ नहीं बताया और वो स्टोरी देख के ऐसा भी लग रहा था कि मैंज म्यूजिक बादशाह को पोक कर रहे हो। सो पुरानी कॉन्फ्लिक्ट नई कॉन्फ्लिक्ट के साथ एड अप हो गई और हमें मल्टीपल स्टोरी एक्सचेंज देखने को मिली बादशाह और मैंज म्यूजिक के साइड से। और हाँ मैंज म्यूजिक जो है वो बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में है। मे बी ऐसा हो सकता है कि तुम बादशाह के फैन हो रफ्तार के फैन हो पर यू कांट नेगलेक्ट द फैक्ट कि मैंज म्यूजिक रफ्तार के साथ बहुत टाइम से थे। उन्होंने बादशाह के साथ भी ट्रैक किया है और एक टाइम ऐसा भी था जब रफ्तार मैंज म्यूजिक को अपना गुरु मानते थे। सो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उन लोगों के आपस का मैटर है, तुम लोग अपने साइड से किसी भी आर्टिस्ट को जाके हेट मत देना। और अगर हम बात करें बादशाह की तो बादशाह की एल्बम की पहली ट्रैक 8 तारीख को ड्रॉप होने वाली है और जैसे ट्रैक ड्रॉप होगी तो मैं उस ट्रैक का प्रॉपर रिव्यू भी अपलोड करूंगा इस चैनल पे। सो अगर कंट्रोवर्सी हो भी रही है तो वो इंडीड बादशाह के एल्बम को हेल्प ही करेगी, बादशाह को इससे हाइप मिलेगा और इंडीड वो एल्बम के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डिस्कॉर्ड में हफ्ते में एक दिन आता हूं तो तुम वहां पे मुझसे बात कर सकते हो, कोई क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ सकते हो, सजेशन दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। और अगर तुम मेरा शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तुम्हें छोटे वीडियो देखना पसंद है तो मेरे शॉर्ट चैनल का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा रशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फेयरिंग माइंड मेरा तेरे पीछे।